मैन के नाम से मशहूर फ्रेंच इन्वेंटर फ्रेंकी जपाटा ने अपने दूसरे प्रयास में जेट पावर्ड एरियल व्हीकल फ्लाईबोर्ड या होवरबोर्ड से 36 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। चालीस साल के फ्रेंकी ने 4 अगस्त को सुबह 7:16 पर फ्रांस के कैलेस शहर में स्थित सेंगाटी बीच से उड़ान भरी और 23 मिनट के बाद 7:39 पर वो इंग्लैंड के केंट शहर में स्थित क्लिफ पहुंचे। वो पहले भी फ्लाइंग बोट के जरिए हवा में उड़कर इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास कर चुके हैं, हालांकि उसमें वो असफल रहे थे। इससे पहले फ्रांस के पेरिस में बेस्टिल डे के मौके पर पूरी दुनिया की नजरें उस जवान पर अटक गई थी जो हाथ में मशीन गन लेकर हवा में इधर उधर गश्त लगा रहा था। इस जेट पावर्ड एरियल व्हीकल को फ्रेंकी जपाटा ही उड़ा रहे थे। जपाटा अपने इस व्हीकल को फ्लाइंग बोर्ड एयर कहते हैं, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि समारोह में मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए भी ये अद्भुत नजारा था, लिहाजा उन्होंने तुरंत परेड के दौरान हवा में उड़ते सैनिक का एक वीडियो ट्वीट कर दिया। इसे कई देश के लोग देख चुके हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हवा में उड़ने वाले सैनिक की ये वीडियो दिखाई जा चुकी है। अपने इस ट्वीट के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल ने लिखा कि उन्हें अपनी सेना, उसके आधुनिकीकरण और उन्नत तकनीक पर गर्व है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया के कई देश इस तरह की तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं जो उनकी आर्मी को फौलादी बनाने के काम आए। भारत ही नहीं, हर देश के लिए उसकी सरहदों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आधुनिक युग में सुरक्षा के लिए जिस तरह से खतरे बढ़ रहे हैं, उसी तरह तमाम देशों की सेनाएं और युद्ध विशेषज्ञ भी इससे निपटने के नए नए तरीके ईजाद करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में फ्रेंच सेना द्वारा पहली बार इस तकनीक का अपनी आधिकारिक परेड में पूरी दुनिया के सामने इस्तेमाल करना उनकी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जेट फ्लाईबोर्ड के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिक 150 मीटर की ऊंचाई पर 10 मिनट से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकते हैं। फ्लाइंग बोट को फ्लाइंग लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म और दुश्मन हमले के वक्त सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जपाटा का दावा है कि ये फ्लाईबोर्ड 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में दौड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1000 किलोग्राम वजन के साथ 10 मिनट तक 150 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा इससे काफी ज्यादा है। फ्लाईबोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये 30 मिनट के लिए 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है। इस फ्लाईबोर्ड की कीमत करीब $2,50,000 बताई जा रही है, जो भारतीय करेंसी में 1,71,00,000 रुपए से ज्यादा बैठती है। खास बात यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए न तो किसी तरह के लॉन्चिंग पैड की जरूरत है और न किसी रनवे की। इस टेक्नोलॉजी को आसानी से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन इतनी हल्की है कि सैनिक आराम से इसे अपने कंधे पर लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं। इस वजह से ये तकनीक सैनिकों के लिए और मददगार साबित हो सकती है। अब फ्रांस की स्पेशल फोर्स इस फ्लाईबोर्ड को अपने काफिले में शामिल करने का प्लान कर रही है। वैसे आपको बता दें कि जपाटा की आधिकारिक उड़ान से पहले ही फ्रांस इस तकनीक को और समृद्ध करने की दिशा में काम कर रहा है। फ्लाईबोर्ड के इन्वेंटर फ्रेंकी जपाटा को एरोनॉटिकल माइक्रोजेट इंजन के विकास के लिए पिछले साल फ्रांसीसी सेना ने $14,70,000 का अनुदान दिया था। यानी फ्रांस करीब एक साल से इस तकनीक को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पेरी के मुताबिक जपाटा की इस खोज को कई तरह के यूज के लिए टेस्ट की परमिशन दी जाएगी।